Hello students, in first video we are covering some examples, okay, and in this video we are again continuing the left example of our exercise. So first question is that in hover wind is blowing at the speed of 30 km per hour and the flake on the mast of the boat anchored in the hover flutter along the northeast direction. Okay, so if the boat starts moving at the speed of 51 km per hour to the north, then what is the direction of the flake on the mast of the boat? यानी कि हमको यहाँ पे बोला क्या गया है सर कि भाई यहाँ पे विंड फ्लो करी यानी कि विंड की स्पीड आपको दी गई है VW इक्वल 30 किलोमीटर पर आवर बराबर और जो फ्लैग है बराबर वो सीधी सी बात है कि विंड की वजह से कौन सी डिरेक्शन में फ्लो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि यहाँ पे अगर हम उसको डिजाइन कर दें नॉर्थ यहाँ पे साउथ होगा बराबर यहाँ पे ईस्ट होगा और वेस्ट तो नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन यहाँ जब भी बोले तो उसका मतलब यहाँ पे एक्जेक्टली मिडल यानी कि 45 डिग्री वाला 45 होता है ना अंदर बराबर तो ये डिरेक्शन क्या होती है नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन होती है तो ये डिरेक्शन में फ्लैग क्या होता है फ्लटर होता है अंदर तो सीधी सी बात है जो डिरेक्शन में फ्लैग फ्लटर होगा वही डिरेक्शन विंड की होगी यानी कि आपका VW की डिरेक्शन हो गई कि ना हो गई अंदर बराबर अब हमारी बोट है वो 51 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कहाँ जा रही है नॉर्थ डिरेक्शन में यानी कि यहाँ पे बीटी लिख सकते हैं अंदर बराबर तो हमको देख रहा है कि भाई अब हमारा जो फ्लैग है वो कौन सी डिरेक्शन में फ्लो करेगा यानी कि फ्लटर करेगा अब सीधी सी बात है कि हवा की वजह से देखो वो नॉर्थ ईस्ट में कर रही है पर अब यहाँ पे जो बोट है वो नॉर्थ में जा रही है यानी कि अलग डिरेक्शन में जा रही है अंदर तो सीधी सी बात है कि उसका भी कुछ इम्पैक्ट फ्लटरिंग में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अंदर बराबर तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो विंड है और बोट है दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू हमको बात करनी पड़ेगी अंदर बराबर तो अगर हम बोलते हैं कि VWB यानी कि विंड का बी के बोट के विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड की बात करें अंदर बराबर तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा VW-VB बनेगा कि नहीं बनेगा अंदर समझ में आ रहा है तो चलो VW तो जो है वो है पर VB हमको क्या चाहिए माइनस चाहिए तो एक वेक्टर आपका यहाँ पे x एक्सिस है 45 डिरेक्शन में जो VW है और माइनस VB कहाँ मिलेगा VB अगर नॉर्थ में है तो उसका नेगेटिव कहाँ मिलेगा साउथ में मिलेगा अंदर हाँ क्या यस और नो तो ये VBB की डिरेक्शन हुई तो दोनों के बीच का टोटल एंगल क्या हुआ भाई 90+45 डिग्री हुआ कि ना हुआ अंदर समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट क्योंकि ये 90 है और प्लस 40 है अंदर समझ में आ गया तो ये दोनों रिएक्टर का जो रिजल्ट होगा वो ही आपको उसका आंसर देगा अंदर समझ में आ रहा है यहाँ पे हमको खाली फोकस डिरेक्शन पे करनी है तो अगर जो वेक्टर है और उसका जो रिजल्टन है बराबर उसका हमको क्या करना है डिरेक्शन फाइंड करना है तो डिरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या था याद करो 10β α जो भी आप एंगल लेना चाहो इक्वल टू क्या था भाई अंदर बराबर B sin θ / A + B cos θ लिखा था जहाँ पे B क्या था जिसके साथ एंगल नहीं बनता था जबकि A क्या है जिसके साथ एंगल बनता है अभी हमने क्या किया ये 45 और ये है और यहाँ पे समझ लो कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा तो B हम इसके विथ रिस्पेक्ट टू लेते हैं अंदर यानी कि ये तो कौन है भाई VW है और VB है तो हमारी फॉर्मूला क्या होगी भाई VB sin θ डिवाइड बाय क्या होगा अंदर आपका VW प्लस VB cos θ ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा अंदर समझ में आ रहा है अब यहाँ पे है क्या भाई टोटल एंगल क्या है 90+45 तो साइन 90+45 लिखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है तो उसका कॉस लिखेंगे और कॉस 45 प्लस में आंसर आएगा उसी तरह कॉस क्या बोले 90+45 की बात करें तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी -sin 45 अब साइन कॉस 45 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1/√2 लिखते हैं बस वही वैल्यू लिख दो यहाँ पे अंदर सिंप्लीफाइड करो तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है 45.1 डिग्री मिलता है यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिस डिरेक्शन में विंड जा रही है उससे 45 यानी कि रफली ईस्ट डिरेक्शन में हमारा फ्लैग क्या करेगा भाई फ्लटर करेगा अंदर समझ में आ रहा है अंदर यस और नो बराबर चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यू हैव टू जस्ट प्लेस द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर ओके सो व्हाट इज द क्वेश्चन द सीलिंग ऑफ द लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाइट सो h इक्वल टू 25 मीटर व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ यानी कि V0 दे दिया गया कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल तो समझ लो ये सीलिंग है ये हॉल है यहाँ से बॉल फेंका गया ये गया और ये टच होके बिना आ गया अंदर
समझ में आ रहा है अंदर। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चार करेगा वो हमको फाइंड करना है, यानी कि r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो r की फॉर्मूला क्या है भाई, वी जीरो स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी लिखते थे, याद करो स्क्वायर टू और जी को बेचारा कुछ नहीं हो, जी ने जब अपोज किया तो देखो वी जीरो अवेलेबल है, यस जी अवेलेबल है, पर थीटा अवेलेबल है हमारे पास नहीं है सर। तो हमको पहले तो क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे तो वो कौन सी हाइट है, चूंकि 25, तो हाइट की हमारे पास फॉर्मूला थी क्या थी भाई, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी थी अंदर। तो चलो वी जीरो हमको पता है सर, यस और नो, बराबर है। अब यहाँ पे 2g पता है और h पता है, तो उससे हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अंदर, यस और नो। तो आपको साइन की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी सिंप्लीफाइड करके 0.5534। अब r का हमारा इक्वेशन क्या था भाई, v जीरो स्क्वायर साइन टू थीटा। अब होगा क्या कि यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करके फिर यहाँ पे उसका ट्वाइस करके साइन फाइंड करना होगा, पर मुझे साइन का एक अल्टरनेट फॉर्मूला खबर है, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टू, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा उसकी जगह लिखेंगे। तो देखो sin थीटा तो मेरे पास अवेलेबल है, अब cos थीटा फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या थी भाई, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर कर दो, आपको cos की वैल्यू भी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी अंदर। तो cos की वैल्यू कुछ आपको ये मिलेगी। अब आप इजीली रेंज का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, sin पता है, cos पता है, g पता है, v0 पता है, सबकी वैल्यू का आंसर आ गया, बराबर। क्योंकि आप 11th में आए तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइडर सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे खाली आपको हिंट देनी है कि भाई आपको एग्जाम्पल में सोचना क्या है और इक्वेशन को रिप्लेस कैसे करना है अंदर आंसर लाने के लिए अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका छोटा भाई जैसा ही है कि अब क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि आपको आर मैक्स दे दिया गया है अंदर, बराबर, और वो कितना है 100 मीटर है अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि आर मैक्स का इक्वेशन क्या था भाई, वी जीरो स्क्वायर बाई जी, यानी कि वी जीरो स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आपके पास क्या आई भाई, 100 मीटर आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, तो क्रिकेटर वो बॉल को कितनी हाइट तक फेंक सकता है वो हमको यहाँ पे क्या करना है भाई, फाइंड करना है अंदर। समझ में आ रहा है। तो चलो एच की फॉर्मूला क्या थी भाई, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन सॉरी वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या लिखते थे, 2g लिखते थे अंदर। अब आपके पास ये वैल्यू तो अवेलेबल है कि नहीं, और थीटा तो क्या लेना है, 45 लेना है, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम रेंज जब होती है तब एंगल क्या होता है, 45 होता है कि नहीं होता है अंदर। सब वैल्यू रख दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो आपको अपना आंसर जो भी लाना है वो इजीली क्या होगा, आ जाएगा, जो आएगा क्या 50 मीटर आएगा अंदर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टोन को टाई किया गया है बराबर एक स्ट्रिंग के साथ जो 80 मीटर लंबी है, यानी कि आपको एल दिया गया है वो क्या होगा, 0.8 मीटर होगा, बराबर। और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में भाई कॉन्स्टेंट स्पीड से रोटेट किया जा रहा है, व्हील किया जा रहा है, और वो 14 रिवोल्यूशन 25 सेकंड में ले रहे हैं, तो उससे ओमेगा हमारा क्या होगा भाई, 40 × 2π डिवाइड बाई 20 होगा। देखो ऐसी चीज थी तो ओमेगा फाइंड कर ही लेने का, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बराबर। तो हमको पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, वी स्क्वायर बाय, पर मेरे पास तो ओमेगा है, पर मुझे पता है कि भाई वी इक्वल टू क्या लिखते थे, आर ओमेगा। तो आर पता है कितना है भाई, 0.18, ओमेगा भी आपके पास अवेलेबल है, कुछ कैलकुलेट करके मिलेगा, बराबर वी मिल गया, तो वी स्क्वायर बाय आर में वैल्यू रखो, आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये नहीं करना है तो आपको वी स्क्वायर बाय आर तो पता है, तो वी की जगह क्या लिखो भाई, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, डिवाइड बाय एक एक आर कट होगा, तो सीधी आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो अंदर। समझ में आ रहा है। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स है तो उसका भाई एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। तो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा और वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 9.9 जितनी मिलेगी अंदर, बराबर। अब क्या बोला गया, एक एयरक्राफ्ट है बराबर विच एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, यानी कि हवा हवा में वो क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल रेडियस हॉरिजॉन्टल लूप बने, ऐसा रेडियस 1 किलोमीटर और ऐसा एक सर्कल क्रिएट करता है, सर्कल में मोशन करता है विच स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आर। तो कंपेयर टू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, बराबर। तो यहाँ पे भाई एक्सेलरेशन फाइंड करना, वी स्क्वायर बाय आर, तो देखो वी ही हमको दिया गया है और हमको आर भी दिया गया है, बट दोनों की वैल्यू 100 किलोमीटर में किलोमीटर पर आर, जबकि हमको कंपेरिजन ग्रेविटी से करना है। अब ग्रेविटी का यूनिट क्या है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये सारी चीज मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्मेट में लेने के लिए लेंगे अंदर। तो सबसे पहले 900 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो कुछ 250 मिलेगा, बराबर, और रेडियस 1000 मीटर हो जाएगा। सिंपली क्या करो भाई, आपका फॉर्मूला वी स्क्वायर डिवाइड बाय, तो देखो 250 डिवाइड बाय 1000, सिंपलीफाइड करो, आंसर आ गया कि ना आ गया आपका अंदर,
बराबर। अब कंपैरिजन करना है तो क्या करो, आपका एक्सेलरेशन डिवाइड बाय जी कर दो। सिंपल सी बात है, दोनों की वैल्यू पता है, इसकी 62.5 डिवाइड बाय 9 है। सिंप्लीफाइड कर आपको 6.377 मिल रहा है, तो रफली बोल सकते हैं 6.4 मिला। यानी कि जो प्लेन का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कितने टाइम है भाई, 6.4 टाइम ग्रेटर है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया सबको अंदर, बराबर।